हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पाए का सालन। ये मैंने बकरे के पाए लिए हैं फ्रेंड्स, चार पाए हैं ये। हम इसका सालन बनाएंगे आज, बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। चलिए आइए, हम दिखाते हैं आपको पाए का सालन कैसे बनता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर रख दिया है, इसमें मैंने 50 ग्राम ऑयल डाल के रखा है गर्म करने के लिए। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज काट के डालूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने प्याज भी काट के रख ली थी। अब मैं इसमें ये सब प्याज डाल दूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी और थोड़ा ब्राउन करूंगी। दो मिनट तक इसको भूनेंगे फ्रेंड्स, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी होने वाली है, बस एक मिनट हो गया है इसको पूरा भूनते हुए। हमें इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। देखिए अभी ब्राउन नहीं हुई है, अब कच्ची है अभी ये प्याज। थोड़ा सा हम इसको एक मिनट तक और इसको फ्राई करेंगे, इसको हम एक मिनट और फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। पाए का सालन बहुत टेस्टी बनता है, ये मेन सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है, विंटर में। अब 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी फ्रेंड्स, 1 टी स्पून और डालूंगी भर के। इसको हम भूनेंगे अच्छी तरीके से, फ्लेम को मैं स्लो कर दूंगी थोड़ा, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि हमारा पेस्ट लगे नहीं बिल्कुल भी। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे अपने, थोड़ा सा मैं इसमें पानी और डाल दूंगी पकने के लिए। अभी हम 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून, और मतलब 1.5 स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है फ्रेंड्स। और मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई डालूंगी इसमें। ये देखिए, हल्दी पाउडर डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून से ही मैंने कम लिया है, ये स्पून थोड़ा बड़ा है। फ्लेम को हम तेज कर देंगे फुल पे, और हम डालेंगे यहाँ पर नमक अपने स्वाद अनुसार। मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। अब इन सब मसालों को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ हम डालेंगे पानी 1/2 गिलास, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए। जब तक हमारा ऑयल सेपरेट नहीं जाता, हम मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे फ्रेंड्स, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए हैं मसाला भुनते हुए। देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें पाए डालेंगे, अच्छी तरह मैंने मसाला भून लिया है ये। अब इसमें हम पाए डालेंगे सब फ्रेंड्स। ये पाए हैं, ये मैं सारे डाल दूंगी इसमें एक एक करके। इसको बहुत अच्छी तरीके से धोना पड़ता है। देखिए मैंने 4 के 4 पाए इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे बिना सीटी लगाए। गलाने बाद में डालेंगे गलाने का पानी, इसका हम बिछाना पानी फ्रेंड्स भूनेंगे ऐसे ही 2 मिनट तक, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पाए लगभग अच्छी तरह भुन गए हैं, लेकिन ये गले नहीं है। अब हम इसमें गलाने के लिए पानी डालेंगे पाओ में। मैं पानी डालूंगी इसमें, 2.5 ग्लास भर के पानी डालेंगे हम इसको गलाने के लिए। अब 1 और ये 2 ग्लास, 2.5 ग्लास पानी डाला है पाए को गलाने के लिए फ्रेंड्स। अब हम इसमें सीटी लगा देंगे, फ्लेम को फुल कर देंगे, और इसमें कम से कम 8 सीटियाँ लेंगे हम पाए को गलाने के लिए अच्छी तरीके से, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पाए में 8 सीटियाँ आ गई हैं। अब हम खोल के देखते हैं। ये देखिए, हमारे पाए बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं, और अच्छी तरीके से ये गल भी गए हैं फ्रेंड्स। मैं आपको एक पाया निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी ये बोटी, ये देखिए सब ये अलग हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बने हैं ये। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। मैं ये सारे पाए निकाल लूंगी। देखिए इतना अच्छी तरह गल गए हैं कि नलियाँ भी अलग हो चुकी हैं इसमें से बिल्कुल। ये बहुत टेस्टी बना है। और देखिए ग्रेवी भी मुझे इतनी ही पतली रखनी थी, आप चाहे तो और गाढ़ी भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ग्रेवी जो है वो पतली ही चलती है सालन इसका। मेरे तरीके से बना के देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी बनेगा। आप चाहें तो इसमें देसी घी का भगाड़ लगा सकते हैं, अगर आपको रोटी के साथ खाना हो तो। इसमें रोटी नान किसी के साथ भी खा सकते हैं आप। ये देखिए, मैं थोड़ा सा गार्निश के लिए इसमें हरा धनिया डालूंगी। ये देखिए, अगर आपको पसंद आया पाए का सालन तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय।